जेल में अगर हो जाता है और उसके बाद में अभी 8 घंटे तक सिर्फ लिपा मोती होती है तो फिर प्रशासन को तो संवेदनशीलता पहले दिखानी चाहिए। सारे बैठे हैं, ज्ञापन तो देना ही, पर ये जिम्मेदारी बिना ज्ञापन के भी तो प्रशासन की बनती है। हर चीज ज्ञापन से थोड़ा ना, इसके ज्ञापन की जिम्मेदारी प्रशासन की है, तो जिम्मेदारी उठानी चाहिए, जिम्मेदारी तो लेना चाहिए। जांच करवा रहे हैं, जांच के बाद जो होगा ये कुछ तो ठोस कदम कार्रवाई करके ताकि आम जन जमीना में भरोसा रहे कि साहब प्रशासन की है, लोगों का प्रशासन माध्यम भरोसा उठ जाए। कल आज तक 250 लोग बैठा थे, ये तरीके में ना हो तो क्यों सोचे ये रखते शुरुआत कौन मैं आपने बतानी चाहूँ कि आज सुबह 25 साल की उम्र रहा स्वर्गीय जय सिंह जी जिला कारागृह मीना मृत्यु हुई। आप सोचो कि एक आदमी जो पिछले 8-10 दिन बीमार था वहाँ ना कोई तरीके की चिकित्सा सुविधा को नहीं मिली, और संगम दुखद घटना यह है कि एक भाई रे हाथ मीना आप रे छोटे भाई री मृत्यु होते वो देखे पड़े हो, वो चिल्लाए पड़े वहाँ हिला कर आइए ना प्रशासन रे लोग ना तमाम डॉक्टर्स ना जेल प्रशासन ना गुहार लगाई कि आप चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराओ, आप डॉक्टर ना बुलाओ, और फिर भी प्रशासन री लापरवाही री वजह मिला कोई तरीके री चिकित्सा सुविधा को नहीं मिली और जय सिंह जी री मृत्यु हुई, और मृत्यु होने रे घंटे भर बाद डॉक्टर आठे पहुंचे और आओ आप री लिपा पोती करे जाओ। आप सोचो कि मैं सुबह कलेक्टर साहब ने और एसपी साहब ने फोन करे अवगत कराना पड़े कि इतनी मोटी घटना हुई है। आज हीट वेव रे मीना, ये गर्मी रे मीना, जित आम जन कूलर एसी रे मीना भी चैन मीना कोनी बैठ पा रहा, वे दौरान में एक आदमी बीमार है और वहाँ ना कोई तरीके री मेडिकल फैसिलिटी को नहीं दी जा रही है। वो तो कहाँ कि साहब यार इरादे रे भेड़ो, ए एक हत्या है, जो भी अपराधी है वहाँ ना सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। और अबार एक लेटर कलेक्टर साहब ने माध्यम मीना स्टेट ना भी पहुँचाए हुए, अगर समय रहते दोषियों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं हुए तो मैं काले महापड़ाव दे हूँ, और साथ ही साथ जितने तक वह दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुए जितने तक यह धरना जारी रहे। तो सर प्रतिनिधित्व मंडल है उसने जेल के अंदर भी गया है, वहाँ की वास्तविक की जो स्थिति है वो भी जानी है, तो वहाँ क्या कुछ चीज़ें सामने आई? देखिए सर प्रतिनिधिमंडल जो जेल में मीना गयो वहाँ जो स्थितियाँ देखी हो वाकई दुखद हती। आप सोचो कि 150 की कैपेसिटी वाली जेल में मीना 250 लोगों ना जबरदस्ती जानवरों की तरह ठूस छोड़ा है, आज वो कैदी भी में पहले एक इंसान है, उहारा भी फंडामेंटल राइट्स है, वहाँ मानवारा भी मानवाधिकार है, पर सब चीज़ा ना साइड में देखते हुए नज़रअंदाज करते हुए लापरवाही रे भेड़ो ए तो मोटो करते हुए है, और मारो निवेदन स्टेट में ना कि वो संवेदनशीलता दिखा और जो भी आरोपी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवा। तो ये एसटीएम साहब और यहाँ बैठे थे, ये क्या वार्ता हुई और क्या आपने आप सोचो कि सुबह 8 बजे ये मामलों संज्ञान में आयो है और हमें 4:15 होना ही है, लगभग 8 घंटा बाद में हमें लोग कहे है कि मैं कार्रवाई कर रहा लारला 8 घंटा मीना परिजन है और तमाम है जितना भी लोग है ये धूप रे मीना तपती धूप रे मीना 50 डिग्री टेम्परेचर मीना बैठा है, पर प्रशासन आज भी अबार भी आंख मूंद बैठे, अगर समय रहते वहाँ आरोपियाँ ना वहाँ अपराधियाँ ना उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं की जावे तो प्रशासन भी तैयार है और ये तमाम जितनी भी घटनाक्रम उसे वो जिम्मेदार प्रशासन है। जब तक अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुए जब तक मैं सब ये थी जाऊँ
धरनो यथावत जारी रहे।